Today we will do our chapter number 31, punctuation and capital letters. Okay. Yes, dear students, what is punctuation? Full stop, comma, question mark, exclamation mark, etc. They are called marks of punctuation. आप जब भी कोई सेंटेंस लिखते हो उसके बाद कहीं आप बीच में कॉमा लगाते हो, कहीं क्वेश्चन मार्क होता है, कहीं आप फुल स्टॉप लगाते हो, कहीं आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो, दीज ऑल आर कॉल्ड मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन ब्रिंग्स क्लैरिटी टू आर राइटिंग. जिस तरह से हम जो मार्क करते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, उससे हमने क्या लिखा है, कुछ सरप्राइजिंग है या हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं. पंक्चुएशन मार्क्स जो है हमारी राइटिंग को और क्लैरिफाई करते हैं. ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है, आप उसे सिंपल से बोल रहे हो, लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देते हो. आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, देन आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो. कोई सडन एक्सप्रेशन है वहां आप क्या लगाते हो, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन द यूज ऑफ दीज पंक्चुएशन मार्क्स. First one, the full stop is used to mark the end of a statement or a command. Full stop हम कहाँ use करते हैं, कोई simple statement जब end हो जाती है या command. Commands में क्या क्या आते हैं, advice भी हो सकती है, okay, request भी और order भी. Please give me a pen, this is a request. You should obey your elders. This is advice. Simple statement. Like examples are given. I need a dictionary. Okay. ये command में advice भी आती है, request भी आती है, orders भी आते हैं. Okay. Shut the door. Switch off the fan. Order, advice and रिक्वेस्ट. ये तीनों चीजें कमांड्स में आती हैं और सिंपल स्टेटमेंट्स. आपके पास कमांड है सेंटेंस या फिर सिंपल स्टेटमेंट है, आप उनके पीछे क्या लगाते हो, फुल स्टॉप. ओके, टू एग्जांपल्स आर गिवन. आई नीड अ डिक्शनरी, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट. मुझे एक डिक्शनरी चाहिए, दैट इज अ स्टेटमेंट. कमांड, ब्रिंग अ डिक्शनरी फॉर मी, मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ. That is an order. और मैंने अभी आपको क्या बताया कि कमांड में ऑर्डर भी आते हैं, रिक्वेस्ट भी, और ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस. क्लियर? इन आपके पास स्टेटमेंट है या कमांड है, आप पीछे फुल स्टॉप मार्क करोगे. देन नेक्स्ट, द क्वेश्चन मार्क इज यूज टू एंड अ क्वेश्चन. वेरी सिंपल, जब आपसे कोई क्वेश्चन पुट किया जा रहा है तो आपको पीछे कौन सा मार्क लगाना है, पंक्चुएशन मार्क कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क. डू यू वॉच सीरियल्स, क्या तुम सीरियल्स देखते हो, आपसे कुछ पूछा जा रहा है. व्हाट काइंड ऑफ सीरियल्स डू यू एंजॉय, किस तरह के सीरियल्स तुम एंजॉय करते हो, अगेन क्वेश्चन मार्क. आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ ओल्ड आर यू, दीज ऑल आर क्वेश्चंस. तो हम क्या करेंगे, इनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके, यू कैन सी द क्वेश्चन मार्क, एरो से आपको शो किया हुआ है क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेशन. जब कुछ सरप्राइज आपको मिलता है, सडन कुछ आपको न्यूज मिलती है, तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, तो लास्ट में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हो. व्हाट अ स्टूपिड आंसर शी गिव, कितना स्टूपिड आंसर दिया उसने. हाउ काइंड ऑफ यू टू हैव कम, लाइक वी हैव डन सिंपल इंटरजेक्शंस लाइक हुर्रा, वी हैव वन द मैच, अलास, आई हैव हर्ट माय लेग. यहां भी आप क्या यूज करते हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ भी आप क्या, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, सरप्राइज फीलिंग है. व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, हेलो, हाउ आर यू, यहाँ हेलो के बाद आप लगाओगे.
So these in these sentences we use sign of exclamation. You can see sign of exclamation. This is shown by arrow mark. Okay. Now next one. The comma indicates the shortest pause. Pause लेते हो जहां आप छोटा सा break जिसे आप बोलते हो. We use it within a sentence for greater clarity of meaning. Like our heroes can sing, dance. देखो मेरा pause जब हम बोल रहे हैं तो. Our heroes can sing, dance, ride, swim and fight. मैंने कितने सारे उसकी qualities बताई हैं. लेकिन बीच में पोज लेते हुए आप ऐसे तो नहीं बोलते यार हीरोज कैन सिंग डांस राइड स्विम एंड फाइट. नो दिस इज नॉट द राइट वे. आर हीरोज कैन सिंग डांस राइड स्विम एंड फाइट. जहां आप पोज ले रहे हो उसकी क्वालिटीज जो आप बता रहे हो वहां आप कोमाज लगाओगे. एंड वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड एंड से पहले कोमा नहीं लगाते. लाइक यू कैन सी स्विम के बाद कोमा नहीं है. ओके एंड से पहले आप कोमा नहीं लगाते हो. नेक्स्ट सेंटेंस. वी हैव अ ड्रॉइंग रूम, टू बेडरूम्स, अटैच्ड बाथरूम, अ बिग किचन एंड अ बालकनी इन आर हाउस. आपके हाउस में कितने रूम्स हैं, जो पोर्शंस हैं वो सब कुछ बताया हुआ है. वी हैव अ ड्रॉइंग रूम, पोज लिया तो वहां कोमा है. टू बेडरूम्स, अटैच्ड बाथरूम्स, अ बिग किचन एंड अ बालकनी. आप फिर से देखो बिग किचन के बाद एंड से पहले कोमा नहीं है क्योंकि हम एंड से पहले कोमा नहीं लगाते. ओके लाइक आई लाइक टू ईट मैंगोज, ऑरेंजेस, बनानास एंड पियर. जब आप आई लाइक टू विजिट लंदन, पेरिस एंड इंग्लैंड एंड के पहले आप नहीं लगाओगे. कुछ भी आप बता रहे हो एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हो, सेम जो चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो आप वहां पोज देके कोमा लगाओगे. बस एंड से पहले आपका कोमा नहीं आएगा. नेक्स्ट अगेन यूज ऑफ कोमा. वी यूज इट टू सेपरेट अ नाउन ऑफ एड्रेस. लाइक अंशु प्लीज हेल्प मी क्लीन माई रूम. अंशु से बात की जा रही है, नाउन है अंशु, उसे बाकी सेंटेंस से सेपरेट कर दिया. ओके ये नाम स्टार्टिंग में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है. When did you buy these beautiful jeans? रजत. रजत जिससे आप बात कर रहे हो आपने वो नाम अलग कर दिया बाकी सारे सेंटेंस से तो आपने वहां कोमा लगाया. फर्स्ट सेंटेंस में आपने नाम पहले बोला तो उसके बाद कोमा लगाया, बाकी सेंटेंस अलग हो गया, उससे सेपरेट हो गया. सेकंड सेंटेंस में आपका कंप्लीट सेंटेंस व्हेन डिड यू बाय दीज ब्यूटीफुल जीन्स, आपने इस सेंटेंस को किससे सेपरेट करना है, रजत से, देन यू अगेन पुट कोमा. ओके नाउ थर्ड रूल ऑफ यूजिंग कोमा. We use it to separate expressions like yes, no, oh, will. Like आप बहुत बार question answers आपसे put किए जाते हैं तो आप yes और no में answer देते हो. Here example is given no. I have no time to spare this evening. No. No के बाद comma. आप कभी भी notice करना जब आप answer no या yes में दे रहे होते हो तो आप नो के या यस के बाद कोमा लगाते हो उसे बाकी मैटर से, बाकी सेंटेंसेस से सेपरेट करने के लिए. वेल आई विल ट्राई माय बेस्ट. जहां आपके पास यस, वेल, ओ, नो ये आ जाए तो आप उन्हें सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करते हो. देन नेक्स्ट यूज. वी यूज इट टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक हाउएवर, in fact, to, however or in fact, in words को separate करने के लिए भी आप comma use करते हो. Like Rahul lost some early points. Rahul lost some early points. However, he was able to win the match. उसने अपने कुछ early points lost कर दिए, फिर भी
वो मैच जीत पाया। हाउएवर से आपने बाकी सेंटेंस को सेपरेट किया है, ठीक है, तो आप वहां कॉमा लगाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस ऑर्डर वॉज इन फैक्ट इशूड बाय द प्रिंसिपल। देखो आपने इस सेंटेंस में किसको सेपरेट किया, इनफेक्ट को, इनफेक्ट सेंटेंस के बीच में ही है, तो आपको दोनों जगह कोमा लगाने पड़ेंगे इसे सेपरेट करने के लिए बाकियों से। हाउएवर ऊपर जो हमारे सेंटेंस में था वो फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हुआ। हाउएवर ही वॉज एबल टू विन द मैच, तो आपने सिर्फ हाउएवर के बाद कोमा लगाया, बाकी सेंटेंस से उसे सेपरेट किया। बट इनफेक्ट वर्ड आपका जो है, अगर इनफेक्ट स्टार्टिंग में है तो आप सिर्फ इनफेक्ट के बाद कोमा लगाओगे, बट इन दिस सेंटेंस दिस इज बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। दिस ऑर्डर वॉज इनफेक्ट इशूड बाय द प्रिंसिपल, इनफेक्ट को आपने बाकी पार्ट से अलग करना है तो आप दोनों जगह कोमा लगाओगे। नेक्स्ट रूल, वी यूज इट टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स लाइक You were present yesterday, were not you? कल तुम present थे, क्या तुम नहीं थे? आगे question की तरह भी आपने बोल भी दिया और इसे फिर question की form में भी ले लिया, तो आप उस sentence को question tag से अलग करने के लिए comma लगाओगे। Next, she didn't take her work seriously, did she? वो अपना काम seriously नहीं करती, did she? क्या वो करती है? अगेन क्वेश्चन टैग हमने यूज किया तो आपको कोमा लगाना है। हुज माइक इज ऑन? यस, नाउ दीज वर द रूल्स फॉर यूजिंग कोमा। नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी, वी हैव डन कंप्लीट चैप्टर ऑन एपोस्ट्रोफी। इट इज यूज्ड इन फॉलोइंग वेज टू शो पोजेशन, मींस बिलोंगिंग शो करने के लिए कि ये चीज किसकी है। वंशम म्यूट योर माइक। वंशम, यस, टू शो पोजेशन मींस बिलोंगिंग कि ये चीज किसकी है। आपको अभी अभी हमने ये लेसन 8 नाउन पोजेशन कंप्लीट किया है तो आपको रूल्स कुछ माइंड में होंगे। टीनास फ्रॉक इज वेरी प्रेटी, किसकी फ्रॉक? टीना की फ्रॉक, प्रेटी मतलब यू कैन सी ब्यूटीफुल। चिल्ड्रंस रूम शुड बी वेल डेकोरेटेड, किसके रूम वेल डेकोरेटेड होने चाहिए? चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन एस से खत्म नहीं हो रहा इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। नेक्स्ट, द टीचर्स फ्लैट्स आर ऑल्सो सॉरी आर क्लोज टू द स्कूल बिल्डिंग। टीचर्स फ्लैट्स प्लूरल हैं और एस से ही खत्म हो रहा है इसलिए लास्ट में आया आपका अपोस्ट्रोफी। ओके, नेक्स्ट, अपोस्ट्रोफी आप कहाँ यूज करते हो? शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, डू नॉट, डोंट, इज नॉट, इजंट, आई एम, आई एम, आपने बीच इसे शॉर्ट फॉर्म बना दिया। Cannot, can't, ऐसे सबकी आप शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हो जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अगर नोट दिया हुआ है या सिंपल भी लाइक ही इज तो ही के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के आप एस लगा देते हो। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही इज। इनमें आप शॉर्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज करते हो। नाउ नेक्स्ट, वी यूज इनवर्टेड कॉमास। ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब चैप्टर करेंगे तो उसमें और आपको क्लियर होगा। इनवर्टेड कॉमास आप कहाँ यूज करते हो? जब किसी पर्सन की सेम एग्जैक्ट वर्ड्स जो उसने बोला, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते एग्जैक्ट वर्डिंग। लाइक आप कोटेशंस देखो किसी भी पोएट की, राइटर की, तो स्कॉलर्स की जब आप कोटेशंस देखोगे ना तो वो इनवर्टेड कॉमास में होती है। क्यों होती है वो कोटेशंस? क्योंकि एज इट इज उन्होंने कहा है, हम उनकी कोटेशंस को, उनकी वर्डिंग को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए वो कोटेशन में शो की जाती है। लाइक एग्जांपल इज गिवन, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, लेट मी एक्सप्लेन टू यू द प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर।
करती हूँ, सॉल्व करती हूँ। ये एग्जैक्ट वर्डिंग किसकी है? टीचर की। इसलिए टीचर की वर्डिंग को इन्वर्टेड कोमा में, इन्वर्टेड कोमा पहले बिगिन हुए फिर एंड हुए। एग्जाम्पल किसते, वो क्या कह रहे हैं कि मैं स्कूल का रिजल्ट देखकर बहुत खुश हूँ। ये सेम वर्डिंग चीफ गेस्ट की है। आप अगर बात करोगे तो कैसे कहोगे, चीफ गेस्ट ने कहा कि वो स्कूल की रिजल्ट को देख के बहुत खुश हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हो दैट ही वाज हैप्पी टू सी द रिजल्ट ऑफ द स्कूल, तो आप इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाओगे क्योंकि आपने अपनी लैंग्वेज में बताया कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन यहाँ उन्हीं की लैंग्वेज है, आई यूज कर रहे हैं, दैट रिजल्ट ऑफ दिस इन्वर्टेड में डाल दिया। ओके, नाउ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आप कहाँ यूज करते हो? जी पार्ट तक आपके जितने भी रूल्स थे वो पंक्चुएशन के लिए थे, ठीक है? यूज ऑफ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोमा, एपोस्ट्रोफी एंड इन्वर्टेड कोमास, ये सब रूल्स किसके थे? पंक्चुएशन। कैपिटल लेटर आपको कहाँ यूज था? कैपिटल लेटर आपको जब सेंटेंस कराए गए थे तो बताया गया था कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। लाइक पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यू कैन सी पी इज कैपिटल हियर। डू नॉट टीज द एनिमल्स इन द जू, टीज मतलब छेड़ना, परेशान करना। ओके, यस, यू कैन सी हियर डी इज कैपिटल। नेक्स्ट रूल फॉर कैपिटल लेटर, All proper nouns and the adjectives formed from them begin with a capital letter. Proper noun जब हमने किए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि particularly जब किसी चीज का नाम दिया हुआ हो देखोगे कि फर्स्ट लेटर जो है पोयम का वो कैपिटल है। नेक्स्ट रूल, द प्रोनाउन आई एंड वर्ड ओ आर ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल। द लास्ट वन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ हेडिंग बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। लाइक आप स्टोरी का नाम लिख रहे हो, आप अपने लेसन का जब नाम लिखते हो तो प्रेपोजिशन ये आर्टिकल जो होते हैं उन्हें छोड़ के बाकी जो मेन वर्ड्स हैं आप उन्हें उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो। लाइक अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ इज कैपिटल। टेल का आप टी कैपिटल देख सकते हो, ऑफ का ओ स्मॉल है, प्रेपोजिशन। फिर से आप देखो, टू का टी कैपिटल, सिटीज का सी कैपिटल। आप जब आप कभी नोट करना, जब आप लिखते हो अपने लेसन का नाम तब भी आप ऐसे ही करते हो, ठीक है? बीच में अगर कोई प्रेपोजिशन है तो आप उसका लेटर स्मॉल करते हो, अदरवाइज आप फर्स्ट लेटर जितने वर्ड्स हैं उनका आप कैपिटल लिखते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पेन। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पेन, एन का ए कैपिटल, ऑटोबायोग्राफी ए कैपिटल, ऑफ अ स्मॉल, देन अगेन पेन का पी कैपिटल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ यूजिंग पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। नाउ यू कैन डिस्कस।